मथुरा के गोवर्धन के गांव भवनपुरा में प्रवीण तोगड़िया पहुंचे, जहां गांव के गणमान्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तोगड़िया ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के संविधान के बारे में बताते हुए कहा, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री एवं आम नागरिक कोई भी गुनाह करता है तो उसको समान दंड दिया जाएगा। संविधान की नजरों में दोनों ही सामान्य माने जाएंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ना तो बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ना ही किसान। जनता का भाजपा सरकार से मोह भंग हो चुका है। सीएए को लेकर उन्होंने कहा कि यह है अब देश का कानून बन चुका है, मगर आम जनता इसको स्वीकार करे या इसका विरोध करे, यह एक लोकतांत्रिक देश है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मथुरा से संवाददाता जाहिद सईद की रिपोर्ट। भारत का संविधान ये देश में लागू हुआ और संविधान का अर्थ है कि देश का प्रधानमंत्री को जो अधिकार है वो गांव में रहने का है और देश का प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून का भंग करता तो प्रधानमंत्री को भी वही दंड होगा जो सामान्य व्यक्ति को होगा, अर्थात सामान्य व्यक्ति हत्या करेगा तो आजीवन कारावास होगा, पर प्रधानमंत्री हत्या करेगा तो उनको भी आजीवन कारावास ही होगा। उसका अर्थ है सबको समान अधिकार है और कानून से ऊपर कोई नहीं है और हम सबके वोटों के आधार पर ही सरकार बनती है, अर्थात सरकार बनाने वाले हम हैं। यह संविधान के आधार पर 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में हुआ, आज यह शुभ दिन है। हजारों वर्षों पहले भारत में ऐसे ही गणतंत्र थे, बाद में गणतंत्र कम हो गए, आज फिर से ऐसा ही एक गणतंत्र स्वतंत्र भारत में हमारे पास है। इसकी राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हाल फिलहाल जो स्थिति देश की चल रही है? आज तो गणतंत्र दिन है, इसलिए पूरे देश के सभी नागरिकों को शुभकामना कि 26 जनवरी 1950 में यह दिन था जब भारत का संविधान लागू हुआ और उनके कारण गरीब को वही अधिकार मिला जो प्रधानमंत्री को, और कानून से कोई ऊपर नहीं है, मानी कानून में जितने अधिकार और सजा गरीब को है इतनी ही ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति को है। ऐसा गणतंत्र हजारों वर्षों के बाद भारत में हमको मिला। यह देश आज बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, रोजगार थे वह भी कम हो गए हैं, किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, देश में महिलाओं की सुरक्षा बिगड़ी है, हम सबको साथ में मिलकर देश की आर्थिक सुधार करके देश का आर्थिक समृद्धि बढ़े इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर अगर हम बात करें दिल्ली में जो सीए के लेकर आंदोलन का चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आज? कानून तो बन गया है और कानून बन गया है तो सबको कानून का स्वीकार करना चाहिए, फिर भी लोकतंत्र है तो शांत अहिंसक विरोध करने का या समर्थन करने का भी नागरिकों को अधिकार है। दिल्ली के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट आएंगे उस दिन आपको बताएंगे। हमारी मंदिर पूजा गाय तीर्थ यात्रा और यह धर्म कर्म बदल कर धन धान्य यश आरोग्य देने की भगवान की व्यवस्था है। धर्म छोड़ दिया जाए तो हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं, हिंदू और क्रिश्चियन में कोई अंतर नहीं, वो भी मानव है हम भी मानव है। फर्क इतना है कि हम गाय की पूजा करते हैं वह गाय को काटते हैं, हम गाय की सेवा करते हुए गाय को खाते हैं। ये फर्क धर्म के कारण है और धर्म के कारण व्यक्ति की सोच बदलती है, व्यक्ति का व्यवहार बदलता है और यह धर्म के आधार पर हम जीते रहे। 1400 वर्ष पहले दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं था, 2000 वर्ष पहले दुनिया में एक भी क्रिश्चियन नहीं था, तब भी अरबस्तान में हिंदू थे, यूरोप में हिंदू थे, अमेरिका रशिया में हिंदू थे। आज दुनिया की लगभग 800 करोड़ की आबादी में हिंदू 100 करोड़ बचे हैं, 2000 पहले जैसे हिंदू थे ऐसे होते तो सभी 800 करोड़ हिंदू होते, तो 800 करोड़ की जगह 100 करोड़ हो गए,
तो 100 करोड़ को घटकर 25 करोड़ होने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए हिंदुओं को खतरा है, भारत में ही खतरा है। जनसंख्या हमारी घट रही है, आज़ादी के समय 86 थी, अभी 78 हो गई। अभी 78 को 48% होने में 48 साल नहीं लगने वाला है। और भारत के सभी हिंदू 50 साल के अंदर शरणार्थी हो सकते हैं, शरणार्थी हो सकते हैं। तो कश्मीर के गांवों में जो स्थिति हुई ये भवनपुरा की हो सकती है, श्रीनगर की स्थिति हुई वह मथुरा वृंदावन की हो सकती है। इसलिए हिंदुओं की रक्षा होगी तो जाटों की रक्षा होगी, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की होगी, सभी जातियों की होगी। हिंदू नहीं बचेगा तो कोई ब्राह्मण पंडित नहीं बचेगा, कोई ठाकुर नहीं बचेगा, जाट नहीं बचेगा। हम सब मिलकर 40-50 वर्षों से ये हिंदुओं को बचाने का, रक्षा करने का काम कर रहे हैं। ये काम में एक राम मंदिर का भी था, वह भगवान की कृपा से पूरा हुआ। फिर भी पूरे देश में हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम अभी अधूरा है। जो हिंदू सुरक्षित होता तो बोलो कश्मीर का हिंदू उनके घरों में होता या नहीं? आज कश्मीर का हिंदू उनके घरों में है क्या? पाकिस्तानी हिंदुओं को तो घर दे रहे हैं, पर भारत का शरणार्थी कश्मीरी हिंदुओं को घर वापसी कब करवाएंगे? उनकी चिंता नहीं है, तो पाकिस्तानी हिंदुओं की चिंता है। भारत के शरणार्थी हिंदुओं की भारत में चिंता नहीं है। और देश में लाखों गांव में ऐसे ही हिंदुओं को अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा है। आप मुरादाबाद की ओर चले जाओ, सहारनपुर, मेरठ चले जाओ, तो जगह जगह पर शहर की गलियों और गांव में भी हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसलिए देश में हिंदुओं की रक्षा जरूरी है। हम सब काम में लगे हैं। बोलो जय श्री राम। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।